अलवर में नगर परिषद की अनदेखी के चलते शहर में बाजारों में दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के बाजारों में खासकर होप सर्कस घंटाघर क्षेत्र में एक तरफ तो दुकानदारों का अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि सड़कें भी सक्रिय होती चली गई। इतना ही नहीं, बाजार में पार्किंग की व्यवस्था न होने के चलते सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहन बाजारों में बेतरतीब खड़े हो जाते हैं, जिससे विकट समस्या खड़ी हो जाती है। खासतौर पर जब नो पार्किंग जोन में चौपहिया वाहन खड़े हों और इस पर न तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी रोक पा रहे हैं और नगर परिषद अधिकारी भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अंदर अतिक्रमण सर्कस में देखो, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं और पुलिस प्रशासन या प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे। इधर जाम हो जाता है, आने जाने को पैदल आने जाने वालों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। लेडियाँ जा नहीं सकती, गायों का इतना दबदबा रहता है कि शहर के अंदर प्रशासन नगर परिषद कहती है कि हम गायों को हटा रहे हैं, उठा रहे हैं, बिंजारों को हटा रहे हैं। नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही क्या? कोई ध्यान नहीं दे रही नगर परिषद, कुछ नहीं, बकवास है। और नगर हर जगह मोहल्लों में देखो नालियाँ साफ नहीं होती, कई कई दिनों तक, महीनों महीनों तक नालियाँ साफ नहीं होती। गंदगी, अतिक्रमण इतना भयंकर हो गया है शहर के अंदर कि निकलने की जगह नहीं है। शहर में ही हो रहा है, पूरे शहर में ही हो रहा है, चारों तरफ। सीताराम अग्रवाल। देखिए, अलवर शहर में और अलवर जिले के प्रमुख कस्बों के अंदर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक तो जनसंख्या वृद्धि है, दूसरी तरफ यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। तो जिस प्रकार से यातायात का दबाव बढ़ा है, शहर के अंदर दोपहिया चौपहिया वाहनों की संख्या बढ़ी है, सड़कें सुकड़ती जा रही हैं और रास्ते जाम होते जा रहे हैं। प्रशासन को और आम जनता को दोनों को ही सोचना पड़ेगा कि आखिर अतिक्रमण से मुक्ति कैसे पाएँ और अतिक्रमण से कैसे निजात पाएँ। क्योंकि अतिक्रमण होने से जब जब रास्ते जाम होते हैं तब तक पब्लिक परेशान होती है, प्रदूषण फैलता है, समय बर्बाद होता है, यहाँ तक कि आप यूँ मान चलो इतने महंगा पेट्रोल हो रहा है, पेट्रोल भी जलता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को सही रूप से कदम उठाना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, शहर के अंदर पार्किंग बनानी चाहिए और जो वाहन हैं उनकी संख्या पर भी रोक लगानी चाहिए। कहीं एक तरफ यातायात करें या कोई दूसरी व्यवस्था करें, या यातायात को कहीं एक स्थायी रास्ते पर, स्थायी जगह उसको रोकें, तभी इसका संभव है। मैं समझता हूं कि प्रशासन और जनता दोनों परेशान हैं अतिक्रमण से, और कई लोग तो अतिक्रमण के ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि अतिक्रमण उन्होंने झपटा जन्म से अधिकार समझ रखा है। दुकानों के आगे बरांडों में अतिक्रमण है, दुकानों के आगे बाहर जो रेलिंग लगी हुई है, जब पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ अतिक्रमण है, और तो और प्राइवेट और जो अस्पताल हैं, प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है, प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैं, वहाँ इतना अतिक्रमण हो रहा है कि बाहर पूरा रास्ता चपका पड़ा है। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट बैंक और इंश्योरेंस, इनके बाहर जो वाहन खड़े होते हैं, यातायात का अतिक्रमण होता है, इन पर बैन लगाएं सबसे पहले। इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? जब कोई बैंक खुलती है, इंश्योरेंस कंपनी खुलती है, शिक्षण संस्थान खुलता है या अस्पताल खुलता है, तो पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं करते? पार्किंग की व्यवस्था केवल दिखावे के लिए करते, बाद में पार्किंग की व्यवस्था को अपने काम में लेते हैं और यातायात सड़क जाम हो जाती है। आप समझ रहे बात को? मेरा नाम महेश भारद्वाज है। इस बाबत जब नगर परिषद आयुक्त संजय शर्मा से बात की तो तब वही रटा रटाया जवाब मिला कि समय समय पर कार्यवाही की जाती है। अतिक्रमण की कार्रवाई नियमित रूप से होती है, नियमित रूप से जहाँ भी अतिक्रमण होता है, जो अवैध रूप से जो दुकानदार सामान बढ़ाते हैं उनका हटाया जाता है, वो अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आज अतिक्रमण हटा दिया तो वो होगा ही नहीं आगे। बिल्कुल सड़क पे आई हुई है तो हटाते हैं, फिर लोग फिर दोबारा कर लेते हैं। चल रही है अतिक्रमण की कार्रवाई, चल रही है अतिक्रमण की कार्रवाई, हमेशा लगातार चलती रहती है, नियमित प्रोसेस है। जैसे साफ सफाई नियमित प्रोसेस है, इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? करते हैं कार्रवाई, नहीं माने हैं जो अतिक्रमण की कार्रवाई, जो नहीं मानते उन पे जुर्माने की कार्रवाई होती है, जब्ती की कार्रवाई होती है। अभी हमने लगभग 15 मशीनें जब्त की, जो अवैध रूप से करने की मशीनें, सड़क पूरी रुकी पड़ी है, बीच में सारे अतिक्रमण कार्रवाई हो रही है। अगर समय पर कार्यवाही की जाती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। आयुक्त साहब, एक तरफ स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात होती है, शहरों को स्मार्ट बनाने की बात होती है, लेकिन
यहाँ ये सब बातें बेमानी नजर आती हैं।